हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम विभाजकता का नियम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 2 से लेकर 6 तक की संख्याओं का विभाजकता का नियम समझ लिया था और इस वाले वीडियो में हम 7 से 11 तक के सभी संख्याओं का विभाजकता का नियम समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो जिस वीडियो में मैंने 2 से लेकर 6 तक के संख्याओं का विभाजकता का नियम बताया, और उस वीडियो का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 7 से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स पहला क्या है, 7 से विभक्ति का नियम, मतलब पहली संख्या क्या है, पहला अंक 7 है दोस्तों। इससे पहले 2 से लेकर 6 तक के हमने 6 तक के अंकों का हमने पढ़ लिया है कि कोई संख्या 2 से कट रही है तो उसका क्या नियम है, कोई संख्या 3 से कट रही है तो उसका क्या नियम है, कोई संख्या 4 से कट रही है तो उसका क्या नियम है। फ्रेंड्स ये सब हमने पढ़ लिया है पहले ही। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 7 से विभक्त होने का नियम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 से विभक्त होने का नियम मैंने यहाँ लिख दिया है आपके लिए। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह मैंने लिख दिया है, इसका मतलब पूरा मीनिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। जैसे कि कोई संख्या है 882 संख्या, इसका लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 2 है तो इसका दोगुना करिए दोस्तों, इसका दोगुना करिए 4 मिलेगा, और इस 4 को इस संख्या में से घटाइए दोस्तों इस 4 को जो है बाकी बची जो संख्या है उसमें से घटाइए दोस्तों, इसमें से नहीं घटाना है, पूरी संख्या में से नहीं, बाकी बची संख्या में से घटाना है दोस्तों। 88 में से अगर हम 4 घटाएंगे दोस्तों तो मिल जाएगा हमको 84। ठीक है दोस्तों, 84 मिलेगा। तो 84 क्या 7 से विभाज्य है, हम भाग देकर देख लेते हैं दोस्तों, 84 जो है 7 से विभाज्य है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे मैंने आपको बताया, कोई संख्या अगर दी गई है, अगर कोई पूछे कि 7 से कैसे विभाज्य है दोस्तों, तो उसका अंतिम डिजिट, जैसे मान लीजिए 882 तो इसका अंतिम डिजिट 2 है, 2 का दोगुना करिए आप, कोई भी संख्या हो, लास्ट डिजिट का अंतिम अंक जो कुछ भी हो उसका आप दोगुना करिए, और बची शेष बची संख्या जो भी बच रही है, इसके इधर भी जितनी भी संख्या बच रही है तो उन सभी संख्याओं में से इससे जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है आप उसको घटा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं इस वाले में डाउट को क्लियर करता हूँ आपके। देखिए जैसे 663 दिया है, तो दोस्तों 663 का लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों, अंतिम अंक क्या है दोस्तों, 3 है, तो इसका दोगुना क्या होगा, 6 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोगुना 6 होगा, तो बाकी बची कौन सी संख्या, 66 बच जाएगी दोस्तों, 3 को तो पहले ही हमने यहाँ पर ले लिया दोस्तों, 3 को पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, तो बाकी बची संख्या 6 है दोस्तों। अब 6 को अगर हम इसमें से घटा दें दोस्तों, 66 में से घटा दें दोस्तों 6 को दोस्तों, देखिए 0 और यहाँ पे 6 आ गया दोस्तों। क्या है, 7 से कट रहा है दोस्तों, नहीं कट रहा है, 7 8 56 होगा दोस्तों, 4 बच जाएगा दोस्तों, नहीं कट रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह संख्या नहीं कट रहा है, तो आप इसको एक बार फिर से पढ़ लें। यदि इकाई अंक को छोड़कर से बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सेम वही किया है, इकाई अंक को लिया, उसका दोगुना किया और बची गई संख्या में से घटा दिया, तो देखिए दोस्तों 60 प्राप्त हुआ। 60 में से अगर मैं 60 में 7 का भाग दूँ तो दोस्तों नहीं कटेगा 60। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं कोई और संख्या ले लूँ, देखिए मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 78 दोस्तों, 78 332 दोस्तों। ठीक है, अगर मैं इसको ले लूँ तो अगर इसमें से मैं घटाऊँ, अगर इसका दोगुना अंतिम अंक क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया, 2 का अगर दोस्तों दोगुना मैं करूँ तो 2 का दोगुना 4 होगा दोस्तों। अब इसमें से अगर मैं घटा दूँ दोस्तों, इसमें से अगर मैं घटा दूँ तो दोस्तों कितना मिलेगा, इसमें से मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कितना बचा है हम लोग का, 783 में से अगर मैं 4 घटा दूँ तो यहाँ पर 9 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 दोस्तों। अब क्या है, 7 से कटेगा, इसमें भाग देकर देख लेते हैं दोस्तों, यह 7 से नहीं कटेगा, यह 7 से नहीं कटेगा, लेकिन दोस्तों प्रोसेस सेम है, सब में प्रोसेस सेम है, यानी कि 7 से विभाज्य होने के लिए लास्ट डिजिट का दोगुना बाकी बचे डिजिट में से घटाया जाता है दोस्तों, ये बात आप याद रखें, और जो प्राप्त होता है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, अगर वह संख्या कट जाएगी तो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको, उसमें मैं बहुत सारे इसके क्वेश्चन 15 20 25 जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं विभाजकता के नियम पर मैं करा दूंगा दोस्तों, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 का विभाजकता का नियम आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके खुद से समझ लें। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले
पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगली संख्या क्या है? अगली संख्या 8 है। 7 के बाद 8 आया तो अगली संख्या 8 बचा है। तो 8 से विभाजिकता का नियम, दोस्तों 8 से विभाजिकता का नियम क्या है? मैंने 4 वाली विभाजिकता के लिए क्या बताया था दोस्तों? 4 से विभाजित होने के लिए क्या बताया था मैंने? कि लास्ट दो डिजिट, यानी कि लास्ट दो डिजिट 4 से विभाज्य होनी चाहिए। चाहे जितनी भी बड़ी संख्या रहे, अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है दोस्तों, तो संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। उसी तरह इसमें भी 8 से विभाज्य होने के लिए दोस्तों बस हम 3 अंक कर देंगे, कि लास्ट का 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट का 2 अंक विभाज्य होना चाहिए 4 से, और 8 से विभाज्य होने के लिए लास्ट का 3 अंक विभाज्य होना चाहिए 8 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स भी लिए हैं, दो एग्जांपल देखिए। एक है 67 95 416, यह संख्या क्या 8 से विभाज्य? चेक करते हैं दोस्तों, लास्ट 3 डिजिट 416, इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से। 8 5 40 बचा 1, यहाँ पे 6 उतर जाएगा, और 8 9 16 दोस्तों यह कट गया, यानी कि यह संख्या जो है 8 से पूरी तरह विभाजित है। आपको पूरा भाग देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा दोस्तों, एग्जाम में हमें टाइम बचाना है तो भाग देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। लास्ट के 3 डिजिट में आप भाग दें, अगर 8 से विभाज्य होने के लिए बोला है तो आप लास्ट के 3 डिजिट में भाग दें। अगर दोस्तों 4 के लिए बोला तो लास्ट के 2 डिजिट, देखिए दोस्तों 16 में भाग दे दूँगा तो चला जाएगा भाग, इसका मतलब है 4 से भी विभाज्य है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लियर हो गया होगा। तो एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, इसको भी आप क्लियर कर लें। देखिए 560 है लास्ट में दोस्तों, 560 क्या या लास्ट में 3 डिजिट क्या दोस्तों? 560 है लास्ट के आखिर 3 डिजिट। अगर 8 से बोला है तो आप 3 को डिवाइड करिए, तीनों डिजिट को, चाहे संख्या जितनी भी बड़ी रहे दोस्तों। अगर कोई पूछे, कोई कहे कि 8 से डिवाइड करिए, तो आप लास्ट के 3 डिजिट को चेक करिए, 3 डिजिट अगर 8 से कट रही है तो संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें दोस्तों ये कट जा रहा है संख्या, ठीक है फ्रेंड्स कट जा रहा है, तो दोस्तों यह 8 से विभाज्य है दोस्तों। अगर हम 4 से चेक करें तो दोस्तों 4 से कट जाएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों संख्या, यह संख्या जो है 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो नेक्स्ट वीडियो का, उसमें मैं ढेर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, तो आप बिल्कुल भी वरी ना हो कि मैं इसमें एक दो एग्जांपल बताकर आगे बढ़ जा रहा हूँ, लेकिन अगले वाले वीडियो में मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन करा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके एक दो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एक दो पार्ट इसके मिल जाएंगे दोस्तों इस वीडियो के। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्या है, 9 से विभाज्य होने का नियम। दोस्तों 9 से विभाज्य होने का नियम एकदम आसान है। आपको मैंने 3 से विभाज्य होने का नियम क्या बताया था? 3 से विभाज्य होने का नियम यह बताया था कि अंकों का योग, 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग दोस्तों मैं बताया था, अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए दोस्तों, 3 से कट जाए, यानी कि अंकों के योग में जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए मैंने यह ले लिया दोस्तों, यह ले लिया, यह 3 से विभाज्य है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम अगर भाग देंगे तो दोस्तों कम से कम 1.5-2 मिनट लग जाएगा। इसको चेक करने के लिए हम फटाफट जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 3 15 दोस्तों, तो 15 दोस्तों 3 से कट जाएगा, तो दोस्तों संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक उसी तरह दोस्तों 9 से विभक्त होने के लिए, दोस्तों 9 से विभक्त होने के लिए अंकों का योग, अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स दोस्तों, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, 6 7 13 13 1 14 14 7 दोस्तों कितना होता है, 21 21 4 21 4 25 25 8 दोस्तों 33 33 3 36 दोस्तों 36 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों 36 क्या 9 से डिवाइड है? 9 से डिवाइड है दोस्तों, 4 बार चला जाएगा, इसका मतलब है संख्या दोस्तों 9 से डिवाइड है दोस्तों, 9 से डिविजिबल है दोस्तों। तो आपको हो सकता है क्लियर हो गया हो, तो नेक्स्ट एग्जांपल को भी देख लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला वाला क्या है, 216 72 18 दोस्तों, तो इसमें चेक करने के लिए दोस्तों इन सबको जोड़ लेंगे, 2 1 3 3 6 9 9 7 9 7 216 16 और 2 18 18 18 36 18 1 19 18 1, देखिए दोस्तों इसको फिर से जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 6 9 9 7 16 16 2 18 18 1 19 19 8 27 दोस्तों, इन सब का योग कितना हो गया 27, जो कि 9 से डिविजिबल है दोस्तों, 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब दोनों संख्याएं 9 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो 9 से विभक्त होने के लिए क्या नियम है दोस्तों, कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले नंबर पर, नेक्स्ट वाले संख्या पर दोस्तों। देखिए दोस्तों अगली संख्या क्या है, अगली संख्या दोस्तों 10 है।
10 से विभाज्य होने का नियम एकदम आसान है दोस्तों, आपको बस थोड़ी सी बात याद रखनी होगी दोस्तों। 10 से विभाज्य होने का नियम एकदम बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए 10 से विभाज्य होने का नियम एकदम आसान है। इसका क्या है नियम कि लास्ट डिजिट अंतिम अंक 0 होना चाहिए दोस्तों। अंतिम अंक 0 होना चाहिए तो दोस्तों संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, अंतिम अंक सिर्फ हमारा अगर कोई बोले कि कोई संख्या दे दिया कि यार 10 से विभाज्य है या नहीं, तो आप फटाक से बता देंगे लास्ट डिजिट को देखकर, अंतिम अंक को देखकर। अगर अंतिम अंक 0 है तो आप बता देंगे संख्या 10 से विभाजित है, अगर अंतिम अंक 0 नहीं है तो संख्या 10 से विभाजित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए तो 10 से भाज्य होगा संख्या। ठीक है, देखिए दोस्तों पहले वाले एग्जांपल को चेक करते हैं। देखिए अंतिम अंक जो दोस्तों 0 है कि नहीं है, तो इसका मतलब यह संख्या हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 का भाग देने लगेंगे इसमें दोस्तों, इसमें अगर आप 10 का भाग देंगे तो 2-3 मिनट आपका चला जाएगा। तो आप इसको लास्ट में देख कर चेक कर लेना कि 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो दोस्तों अगर लास्ट नंबर 0 है, लास्ट डिजिट 0 है, तो दोस्तों ये संख्या 10 से डिविजिबल है। तो दूसरे एग्जांपल को देखकर हम चेक करते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा एग्जांपल क्या है, 63-91-40-91-49 दोस्तों। देखिए यह दूसरा एग्जांपल है, इसको यह 10 से डिविजिबल है या नहीं दोस्तों, 10 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके लास्ट में 9 है, 0 रहता तो हम कहते संख्या 10 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसके लास्ट में 0 लगा दें तो दोस्तों यह संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 10 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर कोई बोले संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 6-3-9 दोस्तों, और 9 हो गया, और 5-5 हो गया दोस्तों, 5-9-14, 14-1-15, 15-4-19, 19-9-28 दोस्तों, या भी 9 से डिविजिबल नहीं है दोस्तों। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर कोई बोले 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप ऐसे चेक कर पाएंगे अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे खैर, यहाँ पे हम 10 की बात कर रहे थे, मुझे लगा कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो मैं आपको रिवाइज करा दूँ। तो अंकों का योग दोस्तों लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए 10 वाले के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वाले भी जो आएगा उसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगला वाला क्या है, अगला वाला 11 से विभक्त होने का नहीं है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा दोस्तों कुछ आपको बात याद रखना होगा। देखिए दोस्तों, सम एवं विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं कोई नंबर ले ले रहा हूँ 11 वाले के लिए, अगर मान लीजिए कोई मैं नंबर ले ले रहा हूँ 16-7, ठीक है फ्रेंड्स 5, ठीक है फ्रेंड्स 5 हो गया, उसके बाद 4 हो गया दोस्तों ले लिया। अगर कोई पूछे 11 से डिविजिबल है या नहीं, दोस्तों पहली संख्या या दोस्तों इसको लें, आप एक छोड़ के इसको लें फिर इसको लें, ठीक है दोस्तों। तो इन तीनों को जोड़ लें आप, ठीक है फ्रेंड्स इन तीनों को जोड़ लें, 7 + 8 = 8, 8 + 4 = 12 हो जाएगा दोस्तों, 8 + 4 = 12 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर एक रख लें, ठीक है दोस्तों मैं एक संख्या ले लिया हूँ दोस्तों 16-75-41। तो दोस्तों मैं क्या बोला हूँ, आप पहली संख्या लें फिर एक संख्या छोड़कर, पहली संख्या लें फिर एक संख्या छोड़कर दोस्तों दूसरी संख्या लें फिर एक संख्या छोड़कर अगली संख्या लें। दोस्तों मैंने एक लिया फिर एक संख्या 6 को छोड़ दिया, फिर अगली वाली लिया, फिर एक छोड़ दिया, फिर अगली वाली लिया दोस्तों। तो इन तीनों का मैंने योग कर दिया दोस्तों, 12 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, या तो 12 आ गया। फिर अगली वाली जो संख्या है दोस्तों, इसके बाद क्या अच्छा है इसको लें आप, उसके बाद क्या है दोस्तों 5 है, इस एक छोड़कर फिर एक छोड़कर एक है दोस्तों, इन तीनों को जोड़ लें आप 12 हो गया दोस्तों। और यह 12 दोस्तों सम स्थानों पर या दोस्तों विषम स्थान पर है, एक पहला वाला स्थान विषम स्थान पर है, दूसरा दोस्तों 6 सम स्थान पर है, और 5 दो जो है दोस्तों 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पर यानी सम स्थान पर है। उसके बाद देखिए 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवें स्थान पर यानी सम स्थान पर, यानी कि सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग 6, 5, 11, 12, मैंने ये 12 निकाल लिया। और विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, यानी विषम स्थान पर 1 है, 1, 7, 8, 8, 4, 12, अंकों का योग का अंतर इन दोनों को अगर घटा लूँ दोस्तों तो 0 मिल जाएगा कि नहीं, 0 होना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबल होना चाहिए दोस्तों। अगर यहाँ पर मिल जाता मुझे, अगर मान लीजिए यहाँ पर 23 मिल जाता दोस्तों, 23 मिल जाता, अगर मान लीजिए यहाँ पर 23 मिल जाता है, एक मिल जाता 12 दोस्तों, तो आप अंतर निकालते। अगर 11 आ गया दोस्तों, 11 आ गया तो संख्या 11 से डिविजिबल है। अगर 22 आ गया दोस्तों तो संख्या 11 से डिविजिबल है। अगर 33 आ गया तो संख्या 11 से डिविजिबल है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से चेक कर पाएंगे दोस्तों। आप बिल्कुल भी वरी ना हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन लाऊँगा जिससे आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैंने आपको नियम तो बता दिया, तो देखिए एक नंबर इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर क्या दिया दोस्तों,
156 स्टार 942 942 दोस्तों, स्टार के स्थान पर क्या रखें कि संख्या 11 से विभक्त हो। दोस्तों देखिए दोस्तों क्या रखें, मैंने बोला कि सम स्थान और विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग 0 या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 156 स्टार दोस्तों 942 दोस्तों, सम स्थान पर विषम स्थान कर लेते हैं, 16 हो गया ठीक है दोस्तों, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 2 हो गया ठीक है दोस्तों, इन सब को जोड़ लें तो कितना मिलेगा 7 7 9 16 16 2 18 दोस्तों 18 मिल गया ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ें तो 5, इन दोनों को जोड़ें ठीक है दोस्तों, 5 स्टार तो 5 4 9 9 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस स्टार हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स, प्लस स्टार हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि संख्याओं का योग का अंतर, ठीक है दोस्तों, 5 क्या है विषम स्थान पर उपस्थित है, स्टार दोस्तों 5 क्या है दोस्तों सम स्थान पर उपस्थित है, 1 क्या है विषम स्थान पर, तो मैंने विषम वाले को पहले लिया, 6 भी विषम पे है, 9 भी विषम स्थान पर है, 1 2 3 देखिए दोस्तों 3 स्थान पर उपस्थित है यानी विषम स्थान, 1 2 3 4 5 पाँचवा नंबर पर उपस्थित है यानी कि यह क्या दोस्तों विषम स्थान पर उपस्थित है। तो आप ऐसे निकाल पाएंगे ठीक है दोस्तों, ऐसे आप निकाल पाएंगे, देखिए इसका योग 18 हो गया है, तो आप अगर इसको घटाएं 9 प्लस स्टार में से अगर 18 घटाएं दोस्तों तो कितना मिलना चाहिए दोस्तों, 0 मिलना चाहिए। तो इसका अंतर निकालना है दोस्तों, तो यहाँ से निकालने पर 9 प्लस स्टार आ जाएगा दोस्तों, 9 प्लस स्टार आ जाएगा ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर मैं 2 रख दूँ ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ तो 2 रख दूँ तो क्या दोस्तों संख्या दोस्तों 2 रख दूँ क्या मुझे 11 मिल जाएगा दोस्तों, हाँ मुझे 11 मिल जाएगा ठीक है फ्रेंड्स, मुझे 11 मिल जाएगा, यानी कि अगर स्टार की जगह पर मैं 2 रख दूँ दोस्तों, देखिए अगर मैं स्टार की जगह पर 2 रख दूँ संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा कैसे, देखिए 1 और 6 का योग 7 और 7 और 9 का योग फिर 9 और 2 का योग ठीक है दोस्तों, या तो विषम वाले का हो गया, विषम वाले का विषम स्थान पर, उसके बाद सम वाले का देखते हैं दोस्तों, सम वाले का 5 और स्टार की जगह मैंने 2 लिया, 5 और 2 7 प्लस अगला वाला प्लस 4 दोस्तों 11 हो गया, और दोस्तों 9 2 11 7 16 दोस्तों कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर देखते हैं 6 7 7 9 16 16 2 18 5 5 6 5 2 7 7 4 11 दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों, तो हमने कुछ गलत चुन लिया है। खैर मैं बता देता हूँ आपको फिर से, देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गया था, देखिए यहाँ पर गड़बड़ी हो गया था, अंतर दो देखिए दोस्तों, अंतर देखिए दोस्तों अंतर 0 होना चाहिए, तो स्टार की जगह मुझे 9 रखना था, मैंने 2 रख दिया था, स्टार की जगह मैं 9 रख दूंगा दोस्तों, 9 9 18 माइनस 18 दोस्तों, देखिए 18 माइनस 18 0 आ जाता दोस्तों ठीक है। तो यहाँ पर मैं 9 रखूँगा दोस्तों इसकी जगह पर, दोस्तों कहाँ गया, इसकी जगह पर मैं 5 2 7 यानी कि 5 4 9 5 14 दोस्तों, 14 4 18 दोस्तों आ जाएगा, तो 18 माइनस 18 अगर मैं कर दूंगा दोस्तों 0 आ जाएगा, तो यानी 0 हो गया, तो संख्या दोस्तों 11 से डिविजिबल है, कब जब यहाँ पर मैं 9 रखूँगा तब दोस्तों ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लाऊंगा, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।